दोस्तों, आप किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं और एप्लीकेशन आप एक इजी वे में लगाना चाहते हैं जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एंजल वन का। आप एंजल वन का डीमैट अकाउंट अपने पास रखिए और यहां से आपको जो आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना काफ़ी ईजी हो जाता है। कि वो कैसे होता है इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताते हैं। जैसे कि आपको एंजल वन पे आप लॉगिन करते हैं तो आपको ऊपर यहां पे आईपीओ का एक टैब देखने को मिलता है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो रिसेंट में आईपीओ आए हुए हैं उनकी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आज जो आईपीओ यहाँ पे आया हुआ है, जो खुला हुआ है, ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो आईपीओ हाल ही में आया है, ये नीचे आपको नाम देखने को मिलेगा कि रेटेनिया पैंट्स लिमिटेड का SME आईपीओ आया हुआ है। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। यहाँ पे जो आईपीओ ओपन हुआ है ये 5 डेज के लिए ओपन हुआ है। इस यहाँ जो रेटेनिया पैंट्स लिमिटेड का कंपनी है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर सेक्टर से बिलोंग करती है। इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है ये 1,20,000 का लगेगा सिंगल लॉट के लिए, और एक लॉट में यहाँ पे 4,000 क्वांटिटीज आती है। तो इस 4,000 क्वांटिटी में का जो यहाँ पे प्राइस बैंड सेट किया है ये 30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का सेट किया है। अगर आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे 4,000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में रखना है ये 1,20,000 का रखना है। इस आईपीओ में आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 11.10 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन प्रेडिक्टर के बारे में देखते हैं तो यह आईपीओ अगर अच्छी डेट में बात करते हैं तो ये 0.19 times ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में यहाँ पे जान के देखते हैं तो यह आईपीओ 19 अप्रैल से ओपन हुआ है। 24 अप्रैल को यह ऑफर एंड हो जाएगा और 27 अप्रैल को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा। 3 मई को इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है ये SME प्लेटफॉर्म पे होती हुई नजर आएंगी। कंपनी के बारे में हमें कुछ जानकारी मिल जाती है जो कि बेसिक जानकारी है। इस जानकारी को हमें यहाँ पे देखना होता है कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है, कंपनी के क्लाइंट्स क्या है, कंपनी के ऑर्डर बुक क्या है, सारा कुछ एनालिसिस हमें यहाँ पे करना होता है। इसके साथ ही अगर आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है। 3 पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और 3 नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना है तो इन पॉइंट्स की आपको विशेष जानकारी आपको ले लेना चाहिए। इसके बाद अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस कंपनी के संबंध में एंजल वन ने यहाँ पे एक PDF भी लगा के रखा है। आप इस PDF को पढ़ सकते हैं और आप यहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे मैं अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब आपको लॉट साइज मेंशन करना है। मैं यहाँ पे 1 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल लॉट के लिए ही ऑर्डर लगाना है और यहाँ पे 4,000 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर लगेगा। प्राइस यहाँ पे 30 रुपीज़ पर इक्विटी हमें एज इट इज रखना है। रिटेल टाइप एज इट इज रखना है। इन्वेस्टर टाइप डीमैट अकाउंट नंबर आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। नहीं आता है तो आप यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल से आप देख सकते हैं या अपने रिलेशनशिप मैनेजर से आप कांटेक्ट करके आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ आपको अपना UPI ID देखने को मिलेगा। आप फ़ोनपे, पेटीएम पे, गूगल पे, जो भी आप UPI यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे UPI ID मेंशन करना है। इसके बाद आपका जो अमाउंट यहाँ लगेगा 1,20,000 का, ये अमाउंट आपको अपने सेविंग अकाउंट से रखना है जिस अकाउंट से आप अपना फंड को ब्लॉक करवाना चाहते हैं। इसके बाद अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर आईपीओ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है तो मुझे यहाँ पे प्रोसीड का एक मैसेज जाता है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होता है। मैं कंफर्म कर देता हूँ, मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। जैसे मेरा ऑर्डर प्लेस होता है तो मुझे यहाँ पे व्यू ऑर्डर पे क्लिक करना होता है। अभी मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर लगा है इसमें लिखा हुआ आता है कि आईपीओ में ऑर्डर तभी कंप्लीट होगा जब मेरे जो UPI एड्रेस है उसमें एक लिंक जाएंगे। उस लिंक पे मुझे क्लिक करके अपने लिंक को वेरीफाई करवाना है। जैसे मैं वेरीफाई करता हूँ तो मेरा सेविंग अकाउंट में जो फंड रखा वो ब्लॉक हो जाता है और यह पैसा जब तक के ब्लॉक रहेगा जब तक के आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं आता। जिस दिन आईपीओ का अलॉटमेंट आता है और मुझे शेयर अलॉट हो जाते हैं तो मेरा फंड सेविंग अकाउंट से हट के डीमैट अकाउंट में मुझे उतने शेयर उतने प्राइस के शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और अगर मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो मेरा फंड ब्लॉक हुआ था वो सेम डे ही रिलीफ हो जाता है। तो मतलब कि हमारा फंड भी यहाँ सेफ रहता है। तो इतना ईजी, इतना आसान है एंजल वन एप्लीकेशन में आईपीओ के लिए एप्लीकेशन लगाना और यहाँ पे एनालिसिस करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन नहीं किया तो मैं फिर डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा कर रखिए। बेस्ट ऑफर्स के साथ आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करके अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन कर सकते हैं और यहाँ की बेहतर सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।